ओम शांति। 15 मार्च अव्यस्त मुली। रिवाइज डेट 13 मार्च 98। टॉपिक होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। एक होली शब्द ही याद करो। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। वर्णन नहीं करो। हाँ होली माना बीती सो बीती। हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो वर्णन करते रहो। नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो। नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। विस्तार जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सब के ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा देश फिक्र बाचता है। ओम शांति।